देखो, टेंथ वाला क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या है, इसमें सेकंड चैप्टर याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, और सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हमारे माइंड में है तो इसको कर पाएंगे। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डीवाई डीएक्स निकालना है, टेन इनवर्स का होगा, फिर अंदर वाले का डिवाइड रूल से होगा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट करना काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए एक्स की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, टेन थीटा पुट करना है। जैसे ही मैं एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करूंगा तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? ये से किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है टेन थ्री थीटा का। समझ में आया कि नहीं आया? टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो बन रहा है। तो इसलिए टेन थ्री थीटा रख सकता हूं, नहीं रख सकता मैं? टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो टेन से टेन कट जाएगा भाई। टेन इनवर्स और टेन डायरेक्ट ऑपरेशन में है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका थ्री थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो थ्री टेन इनवर्स एक्स। अभी तो मैंने इसको सिर्फ सॉल्व करा है, डिफरेंशिएशन थोड़ी करा है, तो अब करूंगा डिफरेंशिएशन। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे आएगा, थ्री और टेन इनवर्स का क्या होता है। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत? इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्लियर है कि नहीं है? इसमें क्या पुट करूंगा सर, इसमें भी एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, टेन थीटा। क्योंकि फॉर्मूले अगर माइंड में है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सर, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए? वो इलेवेंथ क्लास की पढ़ी है, नहीं पढ़ी? इलेवेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे हैं, विच इज मैंने कॉस इनवर्स, अंदर क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे तो। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, नोट करो उसको। हाँ भाई, आगे चले, 10 तक 11 तक हो गए ना, 12वां देखो। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स। अभी ऊपर क्वेश्चन कराया मैंने ऐसे ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रखते हैं, टेन रखते हैं, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आता है, आता नहीं आता? लेकिन सर मुझे तो साइन चाहिए, तो जो काटूंगा साइन से साइन में, भाई साइन से कॉस तो कटेगा नहीं, पहले कॉस बनाओ, ठीक है। तो पहले एक्स के क्या पुट कर रहा हूं मैं, टेन थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अंदर क्या बन जाएगा, कॉस टू थीटा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, अभी तो कराया फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब मुझे तो साइन बनाना है अंदर, तो साइन कैसे बनाऊंगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ लास्ट ईयर टेंथ क्लास में कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है क्या? पढ़ा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस टू थीटा को, कॉस टू थीटा को लिख सकता हूं साइन
90 मतलब पाई बाय टू माइनस थीटा, क्लियर है कि नहीं? अब साइन साइन कट जाएगा तो पाई बाय टू माइनस थीटा, अब थीटा वैल्यू कितनी है? बट टेन इनवर्स एक्स वैल्यू लगाओ डी बाई डी एक्स भाई, तो कॉन्स्टेंट ही तरह काम करेगा, जीरो माइनस तो कितना आएगा डी बाई डी एक्स, समझ में आया कि नहीं आया? तेरहवा क्वेश्चन देखो, तेरहवा क्वेश्चन इसी की तरह है, लेकिन नाइन्थ वाला क्वेश्चन में जो मैंने पुट करवाया था ना कल, उसकी तरह है, कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो कल, कल जो करवाया था, अंदर वाला सेम है कि नहीं? क्या पुट करा था कल मैंने? टेन पुट करा था, तो वही टेन पुट करूंगा, एक्स की जगह पर टेन पुट करूंगा, के काय का फॉर्मूला बन रहा था, नहीं साइन टू थीटा का फॉर्मूला था कि नहीं था? ये लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, अब कॉस चाहिए, तभी कॉस से कॉस काट पाऊंगा, जो फॉर्मूला ये होता है ना वही ये होता है भाई, साइन थीटा को जो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो साइन टू थीटा को क्या लिखूंगा मैं, टू थीटा रहेगा, अरे इसमें ये टू थीटा है तो कॉस टू थीटा आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे टू थीटा आएगा, यहाँ भी टू आएगा, यहाँ भी टू आएगा और यहाँ भी टू आएगा, ये रह गया थोड़ा है ना, ऐसे यहाँ होगा कॉस से कॉस कट जाएगा, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा, थीटा की जगह पे कौन है, टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स करोगे क्या आएगा, सेम है बिल्कुल, सेम है ना दोनों, तो माइनस टू अपॉन में वन प्लस एक्स, समझ में आया कि नहीं आया, इजी एक्सरसाइज है कि नहीं है, नोट करो, देखो आगे चौदह का क्वेश्चन देख रहे हैं, 14th वाला,